ये तो खुशी की बात है डॉक्टर साहब, इतने दिनों के बाद भी मेरे पिताजी की आंखें वापस आ सकती हैं। हाँ बेटी, एक सेहतमंद इंसान की आई बैंक से डोनेट की हुई आंखें मिल जाए तो वो दोबारा देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी ना डॉक्टर। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, विदेश से मेरा एक दोस्त आ रहा है जो आई स्पेशलिस्ट है, वो बिना कोई चार्जेस लिए इस तरह के ऑपरेशन करने की ख्वाहिश रखता है, मैंने उससे बात कर ली है। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखो बेटी, पिताजी को कल ही नर्सिंग होम में एडमिट करना होगा, 8-10 दिन इनके जरूरी टेस्ट चलेंगे, उसके बाद ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ बेटी। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहिए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ बैठिए बैठिए, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। बॉस ने आपसे एक बात बताने के लिए कहा है। क्या बात है? तुमने अपना घर उनके यहाँ गिरवी रखकर 1,00,000 रुपए एडवांस लिया है ना, उसे फौरन लौटाने को कहा है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम मैं कैसे लौटा सकती हूँ? तुम नोट छापो या बैंक में डाका डालो, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर शराफत से पैसे नहीं लौटाए तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या हाल होगा। सुन लिया ना, यही मेरे बॉस ने कहा है। समझेगी नहीं, अब तुम बाहर जा सकती हो। Oh.